हरे मिर्च डाल दिया इसमें, और इसमें ना एक ही टिक्का डालूंगा, नहीं तो ज़्यादा आलू आलू लगेगा। मटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, आज हरी मिर्च की टन नहीं रहा था। और दोस्तों क्या हालचाल, समझते हैं, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, आपका एक और नए व्लॉग पे स्वागत है। तो अभी ठेला मोड ऑन है भाई, पानी डाल दिया हूँ, धो रहा हूँ पूरे ठेले को आज। और आप लोग के कमेंट्स के जवाब, मतलब कुछ भैया लोग बोल रहे थे, तो जब कोई अच्छा कोई कमेंट करता है ना जिसके बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए, तो मैं वो कमेंट के बारे में मैं रिप्लाई कर देता हूँ वीडियो में। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, और ऐसे कमेंट्स मेरे को लगते हैं ना जिनका, मान लीजिए एक आदमी क्वेश्चन पूछा, ठीक है, एक कोई भी क्वेश्चन पूछा एक, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन और भी लोगों का हो सकता है, या फिर और भी लोगों को इसका जवाब मिलना चाहिए, तो मैं ना उसको देख लेता हूँ। तो एक भैया कमेंट किया था कि आपको भी मामा श्री जैसा ठेला बनवाना चाहिए। देखो टेम्पू वो भी पुराना लिया, मैं भी पुराना लिया, लेकिन मैंने ना ये देखो पुराना ही लगवा दिया था ठेला, जो मेरे पास ऑलरेडी था। भाई आप लोग व्लॉग देख ही रहे हो, और उनके और मेरे ठेले में क्या अंतर है, सबसे मेजर यहाँ पे वो केबिन बनवा दिए हैं, सबसे बेस्ट वही लगा। अगर मैं इसमें बनवाना चाहूँ तो 5-6 हज़ार रुपये खर्चा होंगे, ठीक। और इसमें वो स्टिकर चिपकवाए हैं, ये सब कुछ नहीं लगवाए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टिकर चिपका दिए हैं, और इधर भी स्टिकर, और सामने में भी स्टिकर, और इसका जो केबिन बना है सामने में उसको स्टिकर चिपका दिए हैं। अगर आप बोलेंगे कि वैसे ही बनवाना चाहो तो 15,000 या 20,000 रुपये खर्चाएंगे, जो कि अभी नहीं। पहले तो भाई थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अभी होगा दशहरा से पहले, आप लोग को बता भी रहा हूँ मैं बहुत दिनों से कि दशहरा से पहले थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। और एक भैया बोला था कि जलन हो रहा है देख के, नहीं यार टेम्पो दिलवाया हूँ मैं, विकास भैया का ही बनना है। अब विकास भैया थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन उससे अच्छा बनवाएंगे, और भी एक आध दो लोगों को पता कर रहे हैं कि छोटा आदि बनेगा कोई कोई, क्या है ना, अब सब लोग ना सुविधा की तरफ भाग रहे हैं। और मैं सबसे पहले मैं बनवाया टेम्पो वाला ठेला, रीज़न मेरा यही था, नहीं तो मेरे को देखो उतना शौक नहीं था, मैं उस मोहल्ले में रहता तो मैं भी नहीं बनवाता। मैं इसलिए बनवाया क्योंकि यहाँ से जहाँ मैं डेस्टिनेशन है मेरा, ठेला लगाने का काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती थी, आप लोग देख ही रहे ब्लॉग वगैरह सब कुछ, इसी चक्कर में बनवाया। और इसके पहले मैं बनवाने वाला था स्कूटर का इंजन वाला, तो उसे मैं 4-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट भी कर दिया था, और पाइप भी ले आया था घर में, पाइप भी रख दिया था, और पाइप रखे रखे ख़राब हो रहा था। फिर मैं गुरुजी जो कार के ऊपर सेट लगवाए हैं वो पाइप उनको दे दिया, फिर मैं टेम्पो के जुगाड़ में कम से कम 4 महीने खो जाऊँ। आप लोगों ने देखा होगा भैया टेम्पो वाले ब्लॉग देख के आपके परेशान हो गए हैं, जब आपको टेम्पो मिल ही जाएगा ना तो ही वीडियो बनाइएगा। और फाइनली मेरे को मिल गया था, और फिर बन भी गया, अब धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। पानी डाल दिया हूँ, धो दूँ, काउंटर भी धो दे रहा हूँ, इसमें भी पानी लगा दिया हूँ, काउंटर धो दिया हूँ, ये देखो काउंटर साफ हो गया। अब ठेले को ना बैक करके इस तरफ लगा लेता हूँ, तो पूरा पानी यहीं पे गिरेगा, उधर कहीं जाएगा नहीं। तो टेम्पो पूरा धो दिया हूँ, काउंटर भी धो दिया, और ये तिरपाल लाया हूँ, पिलाई लाया हूँ, लेकिन इस बार देखो 120 गज का भी है और ब्रांडेड भी है, और लेकिन थोड़ा सा छोटा है ना। कितना का आया है ये? आया है 400 रुपये का सर। बहुत सही, 430। इसको फटाफट लगा लेते हैं, अब चक्कू ले आऊँ, बारिश तो होने लगी। कहाँ गया चक्कू, कहाँ गया चक्कू, कहाँ गया चक्कू, चक्कू चक्कू रस्सी काटना पड़ेगा पहले तो मेरे को ये पूरा। खींचे तो सर इसको, खींचिए तो पन्नी को, रुकिएगा फंसा है कहीं पे ना, एक मिनट, आ गया, खिंचा तो गया, तिरपाल तो बंधा गया भाई। और ऊपर से देखो मैं आधा ही बांधा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तिरपाल थोड़ा सा ना छोटा ही है, देखो ये देखो, और काफ़ी बेहतर है लेकिन, हैं नहीं नहीं जो पिछले वाले से छोटा है, ठीक है इतना चलेगा, इतना इसको मोड़ लूँगा मैं, अकेले मोड़ लेगा। हाँ देखिए, अगर आप बोलेंगे कि ऐसे ही मोड़ने से तिरपाल फटता है तो नहीं फटता है। क्या खा रही? 7-8 साल से कर रहा। ये क्या है? ये पता छिपकली अंडा है। है क्या ये? ये बिस्कुट है, टिक्का डाला है। थूक दी, नहीं खाई हो? कहाँ से? ये दुकान से लाए थे। हाँ। 5 रुपये का है, बताइए पता नहीं कहाँ है कैसा है। ठीक है जा रहे हैं कॉलेज।
सोमवार है दोस्तों, और आज है दो जयंती, सॉरी यार गांधी जयंती, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। और स्कूल वगैरह की छुट्टी है, बिगड़ी बट्टा तो ही हो नहीं रही है वैसे भी आज, और वैसे भी लेट हो गई, बारिश तो कंटिन्यू हो रहा है फिलहाल, अभी सब सामान रेडी हो गया, नल को देखो मस्त हो गया ना, उस तरफ रख दूंगा। और वही एक दिक्कत है कि इसको टंकी को वहाँ रखने का, तो उसको भी करवा लूँगा जल्दी ही, चलते हैं अब। बारिश अभी हो तो नहीं रही है, बाद में बांधता हूँ तिरपाल। ये देखो साफ़ किया था, ये पूरा छिटक ही जाता है, जब तक पानी बरसेगा तब तक ऐसा ही होगा। और टंकी तो पता है मैं, मेरे को कैसे रखना है आज, जैसे पिछले बार रखा था वैसे ही दिखाता हूँ मैं रख के, अभी ढक्कन को ऐसा रख दिया हूँ, अभी टंकी को उठाना पड़ेगा भाई साहब, बहुत भारी हो जाता है यार, इसको घुमा कैसे कर दिया। अभी शायद गिरना तो नहीं चाहिए, अभी देखो पहले ना पतला नल था, छोटा था तो आगे निकलना पड़ता था, अभी ज़्यादा बड़ा हो गया है तो अभी ठीक है, पानी पूरे नीचे गिरेगा, इसको ऐसे करके लगा दूंगा ना। हाँ कितना नंबर? 14 नंबर। 14 नंबर नहीं मेरे पास, नहीं है, देखता हूँ एक बार, 14 नंबर, 17 नंबर, 14 नंबर देखना पड़ेगा। यह है 10-11, यह है 10-11, और इसमें तो जंग लग गया, इसका तो पता ही नहीं चल रहा है। देखिए तो ए वाला काम आएगा, कितना नंबर है? नहीं आएगा ना, देखिए कहाँ हो गया है, साइलेंसर टूट गया, साइलेंसर टूट गया, ले जाओ वहीं सोनू के पास, मिस्त्री के पास, इसका नाम भी सोनू है, एक तो मिस्त्री है, उसका नाम भी सोनू है। चार बना रहा हूँ और अभी मिक्सर निकाल लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ना बरसात है सिर मत जाए, इसीलिए थोड़ा ही से निकालूँगा, ज़्यादा नहीं निकालूँगा भैया, इतना बहुत है, फिर हो जाएगा ना ख़त्म हो जाएगा, फिर से निकालूँगा। बारिश होने लगी है, कस्टमर भी हैं, मतलब मैं सोचा था तेज़ पानी गिरे तो बांधूँ, हट जाना भैया, भाई नया 43 बैग नया लिया, वो फट गया बोला, 3 महीने पहले नहीं, 3 महीने पहले लिया था वो फट गया, ख़राब हो गया था, मतलब सस्ता था अच्छा नहीं था वो। ऐसे में देखो ये छोटी वाली तिरपाल लगाया हूँ ना, बड़े वाली तिरपाल ना यहाँ तक आती थी, और अगर पानी बारिश होती थी बहुत तेज तो तवा पे पानी नहीं आता था, लेकिन इसमें ना जाएगा, बड़ी वाली तिरपाल यहाँ तक आती थी, ये है 9-12 है ना, वो थी 12-15, मतलब 12 फुट ऐसे में लगा दिया था और 15 फुट और पीछे तक जाती थी थोड़ी सी, ठीक है फिर भी काम चलेगा। अरे क्या करिएगा, आपको फ़ोटो लेके क्या खाएँगे, चार बना दूँ रोटी के वाला चाट बना दूँ, कैसे रोटी खा, कौन मंगाया है, वो मंगाया है कि आप खाएंगे, मेरे लिए, एक प्लेट हाफ में रोटी कैसे खा पाएंगे आप, वो ले जाते हैं ना भैया 20 रुपये का ले जाते हैं एक प्लेट, एक्स्ट्रा बनाता हूँ क्वांटिटी में भी, एक नंबर बनाता हूँ, पतला बनाऊंगा थोड़ा सा ना ताकि रोटी खा सकें आप, ठीक है सिखा जाए एक बार, 20 काटना है, ये लीजिए आवाज़ दूंगा यहीं पर रहना ना, जाना मत कहीं, हाँ ये जितने भी स्टाफ लोग हैं ना, मतलब आसपास के दुकान वाले 5-6 लोग हैं, रोटी के लिए ले जाते हैं, रोटी लाते हैं, सब्जी नहीं लाते हैं घर से, ख़राब हो जाती है या फिर गर्मी में ख़राब हो जाती थी, इसलिए रोटी और चावल लाते थे, और बाकी मटर मेरे से बनवा लेते चाट की तरह, हरी मिर्ची टमाटर काट के देता था, मस्त एक नंबर लगता है, उन लोग बोलते थे भाई, टैक्सी वाले भी ले जाते हैं बहुत सारे लोग। हरी मिर्ची डाल दिया हूँ इसमें, और इसमें ना एक ही टिकट डालूंगा, नहीं तो ज़्यादा आलू लगेगा, मटर की क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, आज हरी मिर्ची की चटनी लाया था, अरे वाह, और ये हल्का सा खट्टा पानी, अब ये पक जाएगा ना तो ये ना एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि छोटे सब्जी खा रहे हैं, इसमें मीठा दही नहीं डालूंगा, मीठा दही डाल दूंगा तो फिर तो रोटी खाने लायक नहीं रहेगा, फिर आप क्या खाएंगे भैया, क्या खाएंगे भैया, चाट खाएंगे, ये छोला मटर हो गया, इसको चाट नहीं बोल सकते अपन, बस ज़्यादा पतला, ये निकाल दिया हूँ, इसमें प्याज डाल देता हूँ और थोड़ा धनिया पत्ती और थोड़ा सा खट्टा पानी, और भैया को तो पता नहीं है ठंडा जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, हरी मिर्ची वगैरह डाल दूँ भैया साहब, अभी छुट्टी है आज गांधी जयंती है 2 तारीख, अगर छुट्टी नहीं होती ना कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह सब लगता तो मस्त बिक्री होती चाट की, खासकर क्योंकि मौसम ठंडा है इसीलिए।
पापड़ी दही मेरा कुछ त्रिपाल में बांध तो दिया हूँ पता है, लेकिन उस तरफ झुक गया हल्का सा और इस तरफ ठीक है। ये जो मैं इस पोल में बांधा हूँ त्रिपाल को ना, अभी ये जो पोल देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला इसमें बांधा हूँ, मेरे को बांधना चाहिए था भैया का जो पोल है ना उसमें, उसमें बांधा ना त्रिपाल पूरा सीधा हो जाता, लेकिन इधर तो दुकान में ही बांध दिया हूँ। अभी 3:30 बजने वाले हैं और मैंने शुरू में बोला भी था कि चाट की बिक्री ठीक ठाक होगी, अभी चाट की बिक्री अच्छी चल रही है, अभी चाट बना दिया हूँ तुरंत और 5-6 टिकिया बना चुका था, अभी और बना के रख लूँगा। ये देखो क्या खाओगे भैया आप, बना दिया चाट, ये देखो चाट बना दो 3 ठो चार ठो चाट ना, एक पन्नी पानी पूरी नहीं निकला अभी ढंग से। देखो योगेश अभी तक पार्टी नहीं दी है ना अंडा का, वो रक्षाबंधन वाला, जय श्री राम। हाँ ये बोला था गुरुजी और ये दोनों मिलके अपने सेंटर में अंडा का पार्टी देंगे और अभी तक नहीं दिए, और शुरू में आप लोग कमेंट भी कर रहे थे, उसके बाद कमेंट करना भी छोड़ दिए ना, कब आज मेरे को याद आया। हाँ दे रहा हूँ दीपक भैया, दे रहा हूँ दे रहा हूँ, दुकान ही खोले आज, भेजता हूँ ना थोड़ा सा, एक पार्टी बचा हुआ है इससे ले लो एक बार, पहले पार्टी ले लें उसके बाद थोड़ा भेजेंगे। योगेश कब 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 देख लेते हैं आज, योगेश को मैं बोला आज कर लेते हैं तो बोलता है आज गांधी जयंती है तो आज चिकन थोड़ी खाना है, मैं कहा का पार्टी दूँ, ठेला बनवाया हूँ नया ना, थोड़ा सा मेरा पर्सनल बात है ना, बता ना भाई मजाक नहीं, आज ही देखते हैं आज ही कर, पक्का ना, पक्का नहीं बता रहा हूँ आज ही कर लेते हैं, देखते हैं प्लान बना के क्या होता है, गुरु जी फोन कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तुम लोग भी खाओगे? हाँ बिल्कुल। हाँ देख भाई तू भी खाएगी अंडा, चिकन खाएगी, फुल्की खाएगी, मिर्ची खाएगी ना, आज कर लेते हैं ना, पक्का ना, पता नहीं मेरे को ही नहीं पता, मैं तो खा लेता हूँ भाई, योगेश बताएगा जब तक मैं इसको फुल्की खाया, तुम लोग मम्मी मानती है वेज में आता है लेकिन अंडा खाने के बाद ना किसी चीज को छूने नहीं देती है। योगेश कहाँ में आता है? वेज में आता है, वेज में आता है, अभी तक रिसर्च के थ्रू भी कोई नहीं बोल सका है कि ये नॉनवेज आता है। तो मुर्गी आया अंडा आया वाला बात मैं क्या कहूं, कब पहले मुर्गी आया कि अंडा आया? नहीं पहले अंडा आया वेज है और जब मुर्गी आ गया तब वो नॉनवेज है, पहले मुर्गी आया है। फुल्की खाओ डिबेट करा रहे हो का? मैं कुछ नहीं करा रहा हूं भाई, मैं फुल्की खिला रहा हूं, लोग करेंगे तो डिबेट चल रहे थे क्या? हां भाई फुल्की खाओगे? नहीं चाट खा रहे मिर्ची वाला। हाँ गुरु जी मौसम ठंडा है, मैं सोच रहा हूँ अंडा बन जाए आज, ठीक है बनवा लो। बनवा लो का मतलब है शाम को थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है ना? पक्का ना? मन से बोल रहे हो कि ऐसे ही बोल रहे हो? ठीक है। कहाँ सो रहे हो यार? सो ही रहा हूँ, लेटा हुआ था बस। ठीक ठीक योगेश डन, ठीक है भैया। हाँ कितना ठंडा आएगा योगेश? 40 ठंडा आएगा, 50 तो कर लेते हैं पूरा बरात अर्धशतक वाला पूरा कर ही लेते हैं। टाइम दिखाने एक बार, 4:04 देखिए दोस्तों 10 मिनट हो गया है और पानी पूरी देखिए इतना सारा बचा हुआ है, 1100 का बेचा हूँ मैं अभी तक, बस बता नहीं रहे हो कि आज 2 पन्नी एक्स्ट्रा लेके आए, वही 2 पन्नी बचा हुआ है और दिखाया था मैं घर से आते समय। बरसात आ गया एकदम और भीतर पक्ष भी चलता है इधर, तो बहुत सारे लोग ना बाहर का खाते ही नहीं है, उसी चक्कर में सेलिंग कम है। कंटिन्यू ना चाटे की बिक्री हो रही है और मंडा थोड़ा सा बचा हुआ है और 4:30 बज गया है, आज तो बंडे ढा रहे भाई, आज मुश्किल है कि फुल्के निकले। दही मीठा डाल दूंगा भैया, तो चार तो खत्म हो गया और समय भी खत्म हो गया, किसान चला गया बहुत पहले, छोड़ दूं आपको भी दूं हैं, पापड़ी दो, हल्का सा पापड़ी भी नरम हो गया क्योंकि ऊपर में रखा हूँ, बाकी अंदर वाला जो है ना ये तो ठीक है लेकिन ऊपर वाला थोड़ा सा नरम हो गया हल्का सा, पापड़ी बचा हुआ खिला देते हैं पूरा, डाल दूँ खट्टा पानी दो थोड़ा सा,
खट्टा पानी डाल दें। फुल्की, फुल्की लगभग डेढ़ पन्नी बच गया, मतलब अगर डेढ़ पन्नी फुल्की काउंट करोगे तो 7-800 का होता है। अब आप सोच सकते हैं एवरेज बिक्री मेरी 2000 रुपये की है, तो 7-800 कम हो गए तो कितने की बिक्री होगी। अब ये 2 डब्बा पानी बच गया पीने वाला, अब पीछे उनको देखता हूँ खाना वाले को चाहिए होगा तो। दोस्तों घर आ गया हूँ, अब सेलिंग तो नहीं हुई, बट बी पॉजिटिव, अब नहीं हुई तो नहीं हुई। 1100-1200 की बिक्री किया हूँ, 1200-1250 की बिक्री किया हूँ। वहाँ पर मैं बोला भी आपको कि 2000 की एवरेज बिक्री होती है, डेढ़ पन्नी के आसपास बच गई है, लेकिन ये रोज़ नहीं होता है, रोज़ 1200 की थोड़ी होती है, रोज़ तो भाई 2000 की हो जाती है। तो मौसम ख़राब है और लोग भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, बिक्री नहीं है, अलग बात है। मेरी क्या चौपाटी में बिक्री नहीं हुआ, इधर से आते समय चौपाटी गया था तो वहाँ भी बिना किसी की बिक्री नहीं थी, ऐसा ही है। मतलब 3-4 दिन तक चलेगा, हो सकता है दशहरा का ना, दशहरा तक चलेगा, दशहरा के बाद अच्छा मार्केट पकड़ेगा। क्योंकि ना देखो अभी मार्केट कब अच्छा होगा, हम लोग का इधर चलता है कि जब धान वगैरह पूरा निकल जाएगा ना, धान ये जो अभी लगता है ये जब बेचने आते हैं ना गांव के लोग, तब अच्छी खासी बिक्री होती है, एक नंबर। क्योंकि सभी लोग धान बेचते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा पैसा रहता है, तो खाते पीते हैं भाई, शॉपिंग वगैरह करते हैं, तब जो है ना मनी सर्कुलेट होता है पूरे मार्केट में, तब अच्छी बिक्री होती है। अभी जैसा चल रहा है वैसे उस टाइम पे ना 2500-3000-3200-3200 की बिक्री होती है। देखिएगा, आने दीजिए मौसम वो वाला। अभी तो योगेश के यहाँ जाना है, अब योगेश ही बहुत दिन से बोलता है, पता है। देखिए अभी ना कुछ दिन पहले गुरुजी चले गए थे रायपुर, फिर भोपाल चले गए थे, अब मैं, गुरुजी और योगेश, हम तीनों में से अगर कोई एक भी नहीं रहेगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो योगेश भी बोल रहा था बहुत दिन से, तो फिर मैं वही बोला, पहले योगेश ऑफ कैमरा बोला है ना, तो मैं बोला रुक जा, अब इस चीज़ को मेरे को लोगों को भी बताना दे। आप सोच रहे होंगे कि मैं जबरदस्ती पार्टी मांग ली, ऐसा नहीं है। योगेश पहले बोला, फिर मैं बोला कि ऑन कैमरा मैं इन लोगों को बता दूँ, क्योंकि कुछ पहले आप लोग भी कमेंट कर रहे थे भैया योगेश के यहाँ पार्टी नहीं की है, पार्टी नहीं की, आज हो रही है, बन रहा होगा। मैं तुरंत दुकान ले आया हूँ, हाथ पैर धो के फिर जाता हूँ वहीं पे। तो दोस्तों अभी योगेश के यहाँ आ गया हूँ मैं, गुरुजी वहीं बैठे हुए हैं, और यहाँ पे तो तांजी लगा है, तांजी और योगेश। तेल में देखो तो हो जाएगा, बन जाएगा इतना, उसमें कितना मिर्चा डालना है? मिर्चा कम डालना है, मतलब हाँ मस्त चटपटा रहे, एक नंबर। आइए गप्पू भैया, यहाँ कोना बैठे, कोना में तू यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जाना भाई, कभी क्या आप वहाँ बैठा होगा, अगर जमीन में नहीं बैठ पा रहे तो ऊपर बिछा देते हैं, नहीं यहाँ बगल बैठा था ना, यहाँ मतलब एक जगह बन जाए भाई। धन्यवाद सोहित, और काफ़ी अच्छा बना है, बहुत मस्त स्पाइसी बना है सर, मैं लोगों से बताया नहीं, कहता है शानदार है भैया, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों अभी सुबह हो गई है और वहाँ से आ गया था मैं, वही 10:30 बजे के आसपास आ गया था, और रात को फिर थोड़ी मोड़ी वीडियो एडिट किया और सो गया, और अभी भी कंटिन्यू बारिश ही हो रही है। ये देखो लगातार बारिश रुक ही नहीं रही है भाई, लेकिन फिर भी मेरा टेम्पू है तो कोई दिक्कत नहीं है जाते हुए ना आते हुए, और अभी मैं भट्टी जला रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाय बाय। एक नंबर हो जाएगा, एकदम 5 मिनट हो जाएगा। योगेश हो गया भाई, खाना खाने टाइम हो गया मेरा, 8 बज गया, 8:30। आप लोग चावल लेके आए ना तब तक अंदर तैयार हो जाएगा।